नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम स्पोकन गढ़वाली की हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके ज़रिए वो लोग जो कि गढ़वाली को शुरू से नहीं बल्कि उसके कुछ भाग ही सीखना चाहते हैं, वो भी आसानी से गढ़वाली सीख सकें। इस सीरीज़ का हम पहला भाग इंट्रोडक्शन के रूप में देख ही चुके हैं। इसका दूसरा भाग हम कन्वर्सेशंस यानी कि बोलचाल के जो नॉर्मल अल्फाज होते हैं उनको देखकर जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हेलो। हेलो यानी कि जिसे हम हिंदी में नमस्कार कहते होते हैं, उसके लिए गढ़वाली भाषा में भी शब्द नमस्कार ही रहता होता है। इसके अलावा पैलागो यानी कि पाय लागू और प्रणाम रहते होते हैं। इन तीनों के अलावा देवताओं या देवी देवताओं के जो सम्मान होते हैं वो भी हम इस्तेमाल करते होते हैं, जैसे कि जय बद्री विशाल और जय राम जी कू, ये इस तरह के शब्द भी हम इस्तेमाल करते होते हैं। गॉड ब्लेस यू यानी कि हम अगर किसी को कहते हैं कि तुम जीते रहो तो उसको गढ़वाली भाषा में कहते हैं चिरंजीव, और चिरंजीव रहे हम कहते होते हैं चिरंजीवी रहो, सुखी रहो के लिए हम कहते हैं सुखी रहे। इस प्रकार से ये दो शब्द मिलते होते हैं। वैसे तो अगर कोई आपके जैसे पांव छूता होता है तो आप उसे गढ़वाली भाषा में चिरंजीव ही कहते होते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हो, इसको गढ़वाली भाषा में कहते हैं क्या हाल चाल, या आप कन हो या तुम कन हो। इसके अलावा आप उसे तुम कन छा या आप कन छा बोल सकते होते हो। एक और चीज़ जो नोटिसेबल है वो ये होता है कि गढ़वाली भाषा में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट या गुड बाय, ये शब्द आपको नहीं मिल पाते होते हैं। इसका कारण ये रहता है कि गढ़वाली भाषा जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, बहुत पहले से ही एक इनफॉर्मल लैंग्वेज रही है। इसमें आप जैसा जो शब्द है वो भी बहुत बाद में आया है। इवन गढ़वाली भाषा में बड़े बुजुर्गों के लिए भी तू या तुम जैसे ही शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि गढ़वाली भाषा में सम्मान सूचक नहीं रहता था, सम्मान हर जगह पे दर्शाया जाता था और बराबर दिया भी जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका शब्द था वो बहुत ही बाद में जुड़ा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ये फॉर्मल वर्ड्स होते हैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जैसे ये शब्द, ये गढ़वाली भाषा में ये है नहीं और ना के ही बराबर है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था आई एम फाइन। अगर आप किसी से पूछते हो कि आप कैसे हो और हम फिर कहते होते हैं आई एम फाइन, उसे गढ़वाली भाषा में कहते हैं मी ठीक ठाक छो, या आप उसे ठीक ठाक भी बोल सकते हैं। थैंक यू, किसी के लिए अगर कोई आपको कोई ऐसी चीज़ कहता है जो आपको अच्छी लगती है और आप उसे थैंक यू कहना चाहते हैं तो आप धन्यवाद उसे कह सकते हैं। हिंदी की तरह ही गढ़वाली भाषा में भी धन्यवाद इस्तेमाल होता है। सॉरी, सॉरी के लिए माप या क्षमा दो शब्द होते हैं, और अगर आपको किसी को कहना है कि मुझे माफ़ करो तो आप बोल सकते हैं मीथे क्षमा करया या मीथे माप करया। इसके अलावा अगर आपको किसी से पूछना हो कि कैन यू स्पीक डैश, या आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, आप कोई जो भाषा है वो ये बोल सकते हैं कि नहीं, तो इसे हम गढ़वाली भाषा में कहते हैं क्या तुम डैश बन सकदूचा। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो इसे गढ़वाली में कहेंगे क्या तुम अंग्रेजी बन सकदूचा, बन इसे बन कहेंगे, तो क्या तुम गढ़वाली बन सकदूचा। इसके अलावा हम आई डोंट नो, इस आई डोंट नो को गढ़वाली भाषा में कहते हैं मीथे नी पच्च, मीथे नी पच्च। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसको गढ़वाली भाषा में कहेंगे मीथे समझ नहीं आई, मीथे समझ नहीं आई, या मीथे खबर नहीं आई। समझ या खबर दोनों में से कोई भी शब्द आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गोइंग, वैसे तो गुड बाय के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई खास शब्द होता नहीं है गढ़वाली भाषा में। अगर आपको लेकिन किसी को कहना हो कि आई एम गोइंग या मैं जा रहा हूँ तो इसे कहेंगे मी जानू छो, मी जानू छो। मीट यू अगेन यानी कि हम फिर से मिलेंगे, इसे कहेंगे फिर मिलला, फिर मिलला। गढ़वाली भाषा में यस के लिए जो शब्द होता है वो हाँ होता है, और हिंदी की तरह ही इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गढ़वाली भाषा में नो के लिए शब्द होता है नी या ना, नी या ना, नहीं भी इस्तेमाल होता होता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम यानी कि कोई बात नहीं, तो गढ़वाली भाषा में से हम कहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, ओके को गढ़वाली भाषा में कहेंगे ठीक चा। प्लीज़
प्लीज के लिए शब्द होता है कृपा। राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग सही या गलत, दोनों राइट और राइट के लिए सही और रॉन्ग के लिए गलत, इस तरह के ये शब्द होते हैं। टेक केयर, टेक केयर यानी कि ध्यान रखना, इसे हम गढ़वाली भाषा में कहेंगे ध्यान धरया। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए नए अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको लगता है कि कोई कन्वर्सेशन का शब्द हमसे छूट गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।